क्लास आज हमारा टॉपिक है MTP Act। MTP Act को क्या बोलते हैं हम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इस ये MTP के नेम से भी आ सकता है। ये कब 1971 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 1972। और ये कब आया, 1972 अप्रैल में ये आया। ठीक है, इन इंडिया, इंडिया में 1972 अप्रैल में आया। ओके, दिस एक्ट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन 1971। ठीक है, ये जो एक्ट है MTP एक्ट, वो पार्लियामेंट में 1971 में पास हुआ था। ठीक है, इंडिकेशंस देखते हैं हम कि जो MTP है, जैसे ये जो वर्ड है MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस वर्ड से कई मतलब से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, वो कैसे करवाते हैं, मतलब इस एक्ट के थ्रू क्यों करवाते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं इसके। ठीक है, इसके क्या मेथड्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इंडिकेशंस ऑफ MTP में हैं कि फर्स्ट मेडिकल, ठीक है, सेकंड यूज इन, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेडिकल में, द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर द मदर्स लाइफ और मे कॉज ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेडिकल, मेडिकली हम क्या देख सकते हैं कि कोई मदर की लाइफ और बेबी की लाइफ, जैसे कोई इंजरी है फिजिकली या मेंटली, वो सही नहीं है। ठीक है, जो मदर है वो, उसकी जो लाइफ है बहुत खतरे में है। जैसे उसको कोई भी मेडिकली कोई, उसको कोई डिसीज़ ऐसी है, या फिर वो फिजिकली या मेंटली सही नहीं है। बहुत से लोग, बहुत सी जो मदर्स रहती हैं वो थोड़ी मेंटली यदि सही नहीं है तो वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है ना। यदि वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो क्या होगा, वो ना तो उस बच्चे को ढंग से देखभाल कर पाएंगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो मेंटली फिट नहीं है ना, इसलिए तो हम क्या करेंगे, मेडिकली हम उसको अवॉर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि फर्स्ट हम कब करवा सकते हैं, द कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर, जब प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन एंडेंजर्ड हो, मतलब कि बहुत डेंजर हो। ठीक है, जिससे मदर्स की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाए, और मे कॉज ग्रेव इंजरी, और बहुत सारी इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, रिलेटेड टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है मदर को, जिससे उसकी लाइफ को लाइफ में एंडेंजर्ड हो, इसलिए हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूएशन है प्रेगनेंसी का उसको कम ख़त्म करवा सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं बच्चे को। तो इसे बोले, ये इंडिकेशन है MTP में, मतलब कि यदि कोई भी प्रेगनेंट लेडी है जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं है, उस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो MTP एक्ट ने बोला है कि यदि कोई भी मदर है जो मेंटली फिजिकली फिट नहीं है, उसको कोई इंजरी है, तो वो क्या कर सकती है, बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है, उसका ये प्रावधान है। सेकंड वन इज़ यूज इन वेयर देयर इज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बॉर्न विद सीरियस हैंडीकैप ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, ऐसी कोई भी सब्सटेंशियल रिस्क जिसमें चाइल्ड का बॉर्न हो के कोई भी वो सीरियस हैंडीकैप हो सकता है, या उसको फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है, तो उस टाइम पर हम बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं। एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं इफ़ द प्रेग्नेंट लेडी सफ़र फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस, यदि कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या वायरल हेपेटाइटिस है उसको, या स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बहुत सीरियस कंडीशन है या सीरियस कोई डिसीज़ है जिसके कारण से उसके बच्चे को भी वो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, वो बच्चे का जो जन्म ले रहा है बच्चा, उसको हम अबॉर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा फिट ही नहीं होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि USG में अल्ट्रासाउंड करवाने पे पता चलता है कि बच्चा हाइड्रोसील है, या फिर उसको स्पाइनल बाइफिडा है, या कोई और ऐसी बर्थ इंजरी है। ठीक है, यदि मदर को भी वायरल हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स, मीजल्स है, तो वो बच्चे को भी होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो ये जो यूजिन है, मतलब इसका कि जो भी बच्चा है, ठीक है, यदि वो एबनॉर्मली वो फिट नहीं है फिजिकली और मेंटली, एबनॉर्मलिटीज है उसके अंदर, कोई हैंडीकैप है, तो हम उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही हम अबॉर्ट करवाने का प्रावधान है। ठीक है, सेकंड वन हमने फर्स्ट मैंने बताया मेडिकली, यदि कोई जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यूस नहीं कर पा रही है, उसको कोई फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, तो हम करवा सकते हैं उसको टर्मिनेट। ठीक है, सेकंड कब करवा सकते हैं,
जो MTP एक्ट के थ्रू हम कब करवा सकते हैं, जब यदि कोई भी बच्चा जो जन्म लेगा वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, उसको एबनॉर्मलिटी है उस टाइम पे, या फिर कोई डिसीज है उसको, तो हम उस टाइम पे भी बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं MTP एक्ट के अकॉर्डिंग। यूनिटेरियन, अभी हमने पढ़ा मेडिकली यूज इन देन यूनिटेरियन, यूनिटेरियन मीन्स मानवता के बेस पे, जैसे व्हेन प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ रेप, ठीक है, यदि प्रेगनेंसी जब किसी भी गर्ल का या लेडीज़ का रेप हुआ है उस टाइम पे वो यदि अबॉर्ट करवाना चाहती है तो उसका भी प्रावधान है कि हम जब उसका रेप का रिजल्ट यदि उसको वो प्रेगनेंट हो गई है उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं, मानवता के अधिकार, मानवता किसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक में क्या है, इफ़ देयर इज़ एनी रिस्क ऑफ इंजरी टू द हेल्थ ऑफ द मदर और एनी फोर्सिबल इन्वायरमेंट, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक मीन्स यदि वो थोड़ा उनकी जो कंडीशन है उनके घर की, मतलब पैसा नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी इंजरी है मदर को जिससे बच्चे पैदा होने से उनको प्रॉब्लम होगी, या फिर ऐसा कोई एनी फोर्सिबल इन्वायरमेंट है, जैसे कि मतलब वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ भाई लड़की होगी तो वो मार देंगे लड़की होगी, तो यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर का भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी तो हम उसके, या फिर मदर को कि उनके यहाँ कम से कम 5-6 बच्चे हो गए ऑलरेडी हैं और उसके बाद भी, तो हम क्या कर सकते हैं टाइम रहते हुए हम उसको अबॉर्ट करवाने का प्रावधान है, ओके। या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास, ये सब भी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेलियर ऑफ IUD और ओरल पिल्स और एनी अदर डिवाइसेस, ठीक है। कब, जब यदि कोई भी फेलियर हो जाए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, रिजल्ट किस फेलियर ऑफ, यदि कोई भी IUD जो है उनका फेल हो जाना, या फिर ओरल पिल्स ली और उसका भी फेलियर हो जाना, देन या अदर कोई डिवाइसेस, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं उनका फेल हो जाना, यदि आप उनको प्रूफ देते हैं, यदि आपके पास प्रूफ है कि हाँ हमने ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ली थी, या फिर IUD करवाया था, या ओरल पिल्स करवाया था, उसके बाद भी हम जो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो हमें वो सब, यदि हमारे पास प्रूफ है कि हाँ हमने ओरल पिल्स लिया उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिया उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिकली टर्मिनेट करवा सकते हैं, ठीक है, यदि हमारे पास प्रूफ हुआ तो। तो ये सारे थे इंडिकेशंस ऑफ MTP, मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ, मेडिकली मींस यदि जो मदर्स की लाइफ है वो एंडेंजर है, ठीक है, कोई भी फिजिकली या मेंटली हेल्दी नहीं है मदर, तो हम उस MTP एक्ट के थ्रू टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट यूज इन मींस जो बच्चा बॉर्न होगा वो हैंडीकैप है या फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, उसको एबनॉर्मलिटी है, या कोई चिकन पॉक्स प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको चिकन पॉक्स, मीजल्स या वायरल हेपेटाइटिस है, तो उस टाइम पे भी हम बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिटेरियन, यदि किसी का रेप हुआ है उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उस टाइम पे भी हम उनको करवा सकते हैं टर्मिनेट बच्चे को। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है, रिस्क है कोई भी इंजरी टू द हेल्थ ऑफ द मदर और एनी फोर्सेबल इन्वायरमेंट है, तो हम करवा सकते हैं, उसको कोई फोर्स कर रहा है भाई इतना लड़की होना चाहिए नहीं है, या फिर उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं उनको, तो ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट ना हो, ठीक है, सोसाइटी में कोई ऐसा फोर्सेबल इन्वायरमेंट है तो हम करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं डिवाइस है अनवांट, उससे वो फेल हो जाना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को फेल हो जाना, या फिर IUD ओरल पिल्स लिया है आपके पास, यदि प्रूफ है कि हाँ ये फेल हो गई हमने लिया था और अब हम फिर भी प्रेग्नेंट हो गए, तो ये सब यदि प्रूफ है तो हम टर्मिनेट करवा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द MTP, ये नोट्स है कि MTP एक्ट के अंदर ओनली द क्वालिफाइड डॉक्टर्स इज एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन कैन डू अबॉर्शन, ठीक है। MTP एक्ट में कौन करवा सकता है उनके टर्मिनेट जो अबॉर्शन है, वो सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कि हाँ आप MTP एक्ट के में काम कर सकते हैं, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, सिर्फ वही डॉक्टर अबॉर्ट करेंगे, ठीक है, और कोई भी डॉक्टर अबॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टाइम कि हम जब एबॉर्शन है वो कब करवाएंगे, बच्चे टर्मिनेशन कब करवाएंगे, तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यदि 20 वीक्स है प्रेगनेंसी के उस टाइम तक हम टर्मिनेशन करवा सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं एमटीपी के कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ब्लीडिंग होगी, ठीक है। यदि हमने बच्चे जो हमने अबॉर्ट करवाया तो क्या होगा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग होती यदि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी तो डेथ होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। इन्फेक्शन, ठीक है, और इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस क्या हो जाएगा, परफोरेट हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन होगा तो जो यूट्रस है उसमें भी इन्फेक्शन होगा और इन जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, परफोरेट हो जाएगा, ठीक है, होल्स टाइप होल्स हो जाएंगे उसके यूट्रस में, ओके। और नेक्स्ट है मेथड्स हम देखेंगे, ये तो कॉम्प्लिकेशन से ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस। मेथड्स में देखते हैं हम कि क्या क्या यूज़ करेंगे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में। डायलेशन एंड क्यूरिटिस, डायलेशन कब यूज़ करते हैं हम, जो यूट्रस होता है उसको डायलेट करने में। नेक्स्ट क्यूरिटिस, क्यूरिटिस क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो बच्चा है उसको कटआउट करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको कटआउट करने में क्यूरिटिस इंस्ट्रूमेंट है जो कटआउट करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट है वैक्यूम सक्शन के थ्रू हम करवा सकते हैं बच्चे को टर्मिनेट अबॉर्ट। नेक्स्ट है 20% ऑफ हाइपरटॉनिक सलाइन, ठीक है, यदि हम 20% ऑफ हाइपरटॉनिक सलाइन दे सकते हैं किसी के भी थ्रू, यदि जो सलाइन हम देंगे उसमें हाइपरटॉनिक होना ज़रूरी है, ठीक है, तो इससे भी ये जो बच्चा है वो टर्मिनेट हो सकता है, अबॉर्ट हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 ये IV दे सकते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट यूट्रस में भी इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर रेक्टम के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे एमटीपी के, क्या है, डायलेशन एंड क्यूरिटेस, डायलेट करवा के एंड क्यूरिटेस के थ्रू वैक्यूम सक्शन करवा के 20% ऑफ हाइपरटॉनिक सलाइन दे के एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 दे के, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस एंड अप्रोप्रिएट टाइम कब होता है कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे आपका कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमटीपी कब करवाते हैं, तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक करवा सकते हैं, ओके। ये मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट कब हुआ था, 1971 में, और कब ये आया था, अप्रैल 1972 में इंडिया में आया, और ये अप्रूव कब हुआ, पार्लियामेंट 1971 में, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू 1971 में ये पास हुआ था। इंडिकेशंस मैं बता चुकी हूँ क्लास, यदि आपको एमटीपी एक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।